हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एनिमल अराउंड अस। वी स्टडी इन प्रीवियस क्लास प्लांट अराउंड अस। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एनिमल अराउंड अस। स्टूडेंट्स, यू स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। द ऑर्डर ऑफ आवर गवर्नमेंट्स, ओके। इस समय आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ऑनलाइन जो भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, घर बैठकर आप पढ़ें, नोट्स बनाएं, तैयारी करें। और हम लोगों के मोबाइल नंबर आप लोगों के पास हैं, जो प्रॉब्लम होती है उस पर कॉल करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं और हम लोगों से ले सकते हैं, ओके। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर्स एनिमल अराउंड अस। ऑन द अर्थ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लीव ऑन द अर्थ। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स सराउंडिंग द अर्थ। First study, habitat, a place where animals live, feed, reproduce, is called its habitat. वह स्थान जहां पर कोई जीव रहता हो, खाता हो और प्रजनन करता हो, यानी वह स्थान उसके रहने के लिए सेफ है, तो उसे हम उसका आवास कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव फीड्स रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट्स आर टू काइंड्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकेंड एक्वेटिक हैबिटेट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, सेकेंड एक्वेटिक हैबिटेट। फर्स्ट हेडिंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एनिमल दैट लीव ऑन लैंड, एनिमल दैट लीव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। एनिमल दैट लीव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऑन लैंड एनिमल्स लीव इन डिफरेंट हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड पोलर रीजन। वह जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, पोलर रीजन। नाउ वी डिफाइन फॉरेस्ट हैबिटेट। नाउ वी डिफाइन फॉरेस्ट हैबिटेट। ए फॉरेस्ट इज एन एरिया दैट इज डेंसली कवर्ड हर्ब, श्रब्स, ट्री, फर, मॉसेस इटीसी। ए फॉरेस्ट इज एन एरिया दैट डेंसली कवर्ड हर्ब, श्रब्स, ट्री, फर, मॉसेस एटीसी। इट आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट इज प्रोवाइड शेल्टर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट,
लायन, टाइगर, मंकी, डियर, जेब्रा, एटीसी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हैबिटेट डिजर्ट हैबिटेट। स्टूडेंट्स यू नो द एरिया ऑफ वेरी हॉट वेयर द टेम्परेचर 40 to 50 एंड वेरी ड्राई क्लाइमेट सैंडी लैंड लैक ऑफ वाटर इनसफिशियंट ऑफ वाटर लिटिल रेनफॉल ऑन दिस एरिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स आर ऑल्सो नोन एज डिजर्ट। ए डिजर्ट इज ए वेरी हॉट एंड ड्राई ऑफ्टन सैंडी रीजन विथ लिटिल रेनफॉल ओनली फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एट दिस प्लेस। आपको बता दें पृथ्वी का वह एरिया जहां पर टेम्परेचर 40 से 50 रहता है यानी बहुत ज्यादा हो गया ये 50 टेम्परेचर हो गया। आपको अनुमान होना चाहिए कि 100 टेम्परेचर पर पानी बॉयल करने लगता है और जब 50 टेम्परेचर हो जाता है तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते पेड़ पौधे सब सूख जाएंगे वर्षा भी वहां बहुत कम होती है। वहां पर जो पेड़ पौधे उगते हैं जैसे कैक्टस बबूल ये पेड़ पौधे से नाखनी बबूल आप देखे होंगे उनमें पत्तियां नहीं होती पत्तियां इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि उससे जो इवेपोरेशन होगा तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे तो पत्तियां कांटों में बदल जाती है। जब पत्तियां कांटों में बदल जाती है तो उससे इवेपोरेशन नहीं होता ये फायदा हो गया पौधे को। दूसरा पूरा तना ही उसका पूरा स्टेम ही ग्रीन होता है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और फ्लेसी होता है ग्रीन एंड फ्लेसी जिससे सनलाइट पड़ती भी है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है बहुत कम इवेपोरेशन होता है। तो इस तरह के जो पौधे हैं वही वही डिजर्ट क्लाइमेट या डिजर्ट हैबिटेट में डेवलप हो पाते हैं और वहां पर ऐसे जीव रहते हैं जो कम वाटर में ही अपना काम चला लें एग्जाम्पल कैमल स्कॉर्पियंस डिजर्ट स्नेक और ये जीव रात में ज्यादातर निकलते हैं मींस ये जीव मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं। जैसे आपने कैमल देखा होगा उसके शरीर पर बहुत घने घने बाल होते हैं स्किन थिक होती है नाक में भी बहुत बाल होते हैं ताकि जब हवा वगैरह तेज से चले उसके नाक में आंखों में बालों के कण न जा सके और उसके पैर भी क्या होते हैं गद्देदार होते हैं जिससे वो आसानी से सैंड पर दौड़ सकता है चल सकता है और एक बार पानी पी लेता है तो उसे एक सप्ताह वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से वह आसानी से डिजर्ट में अपने आप को रहने के लिए अडॉप्ट कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोलर रीजन। स्टूडेंट्स यू नो इन आवर डिस्ट्रिक्ट विंटर सीजन व्हेन द टेम्परेचर 0 to 10 या 0 to 15 वी फील वेरी कोल्ड एंड वी वियर वार्म क्लोथ वी सिट नियर द फायर व्हेन वी सिट नियर द फायर वी अब्सॉर्ब हीट एनर्जी ऑफ द फायर आवर बॉडी वार्म बट सम एनिमल्स लिव इन द पोलर रीजन वेयर द टेम्परेचर 0 to 10 The nature made their body, they adapt in polar region themselves. They have
long hair on the body. The skin or thick under the skin, a fat layer are present. A fatty layer are present. They warm their body. So the animals live in polar region. Yeah, they adapt themselves in polar region. The region near the pole, north and south pole, are called polar region. Polar region covered with snow. Correct. जो पोलर रीजन होता है वो बर्फ से ढका होता है. दैट एनिमल्स लिव हियर हैव स्पेशल कैरेक्टर्स. यानी नेचर मेड देयर बॉडी दैट अडॉप्ट इन पोलर रीजन. फॉर एग्जांपल्स ऑफ पोलर रीजन एनिमल्स, पोलर बियर, पेंगुइन, सेल, वालरस. इट इज स्टूडेंट्स आप पोलर बियर, पेंगुइन, वालरस, सेल आप देखे हो. पोलर बियर के शरीर पर व्हाइट कलर के फर होते हैं. अब आप कहेंगे कि एक बियर हमने देखा जो व्हाइट बियर होता है उसके शरीर पर काले होते हैं, लेकिन पोलर बियर के ऊपर व्हाइट कलर के उसके हेयर होते हैं. जो व्हाइट कलर के उसके ऊपर हेयर होते हैं स्टूडेंट्स, वह बर्फ की सिल्लियों पर जब सोता है तो जो उसके एनिमी है वह पहचान नहीं पाते कि वह बियर है या स्नो है. तो इन दिस टाइप दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी. तो नेचर ने ऐसा गुण उसको दिया है, ऐसी मिमिक्री दिया है कि वह अपने आप को अपने शत्रुओं से बचा लेता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स पेंगुइन. पेंगुइन को आप जानते हैं ये स्पॉट स्विमर. ये बहुत तेज तैरती है. ये अपने पंखों का भी इस्तेमाल पानी में तैरने के लिए करती है. इनकी त्वचा के नीचे इनके शरीर पर तो बहुत घने फीलर्स होते हैं जो इनके बॉडी को गर्म रखते हैं. और त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर होती है. वो फैट की लेयर इनके शरीर को गर्म रखती है जिससे ये आसानी में बर्फ पर चल सकते हैं, रह सकते हैं और लेट सो सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होती. वही कंडीशन सील और वालरस में होती है. जो फैट की लेयर होती है उसे हम ब्लबर कहते हैं. नेचर ने इनको ऐसा कैरेक्टर दिया है जिससे वे आसानी से पोलर रीजन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके. नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पोलर रीजन से खत्म होता है. नेक्स्ट एक्वाटिक हैबिटेट. एक्वाटिक हैबिटेट एनिमल दैट लिव इन वाटर. एनिमल दैट लिव इन वाटर दीज आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. स्टूडेंट्स यू नो सम एनिमल्स लिव इन वाटर. दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर ऑन देयर बॉडी. नेचर मेड देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन. दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिस्पायरेटर, रिस्पायरेशन, फीडिंग, ब्रीडिंग, एटीसी. स्टूडेंट्स जो जीव पानी में रहते हैं नेचर ने उनका शरीर नाव के आकार का बना दिया, स्ट्रीमलाइन बॉडी. उनके शरीर के ऊपर एक ऐसा स्केल दिया, वो पानी में रहते तो हैं लेकिन वाटर उनके बॉडी को टच नहीं करता. ठीक है, देखिए बर्ड, बर्ड के शरीर पर जो उनके बॉडी को कवर करने वाले ऑर्गन्स हैं वो फीडर्स हैं. फिश के बॉडी को जो कवर करने वाला ऑर्गन्स है वो स्केल है. स्नेक के बॉडी को जो कवर करता है वो भी स्केल है. लिजर्ड
के बॉडी को कवर करने के लिए स्टेल सी फर बियर फर या फर, जितने भी एनिमल्स हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है इन सब के बारे में आप जानते होंगे। तो नेचर ने इनके बॉडी को कवर करने के लिए और एक जिस जलवायु में पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके बॉडी को एडजस्टमेंट कर दिया। आपने पढ़ा होगा एडाप्टेशन द एडजस्टमेंट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, सम एनिमल्स हैव सेल ऑन देयर बॉडी, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनके बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है, एग्जाम्पल टार्ट्रेज स्नेल्स पाइला एटीसी। आप घोंगा देखे होंगे, घोंगा रेनी सीजन में बहुत ढेर सारे घोंगे पानी इधर उधर तैरते रहते हैं, आप कभी टच करके देखिए उसके ऊपर का हिस्सा बहुत ठोस होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसका शरीर एकदम मांसल होता है, ठीक है। तो वह जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है वह उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जब अपने आप को वह खतरा देखता है तुरंत अपना मुंह बंद करके वो अंदर चला जाता है। कछुआ आप देखे ही होंगे स्टूडेंट्स, और ओइस्टर पाइला भी आप देखे होंगे, सिप स्टूडेंट्स, एनिमल कैन बी डिफाइंड फॉलोइंग टाइप्स ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स भोजन के आधार पर, भोजन का खाने के आधार पर कई भागों में डिवाइड किए गए हैं। यू लर्न इन प्रीवियस क्लास एनिमल्स कैन डिफाइंड इन ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स, हर्बीवोरस कार्निवोरस ओमनीवोरस। स्टूडेंट्स फर्स्ट हर्बीवोरस, हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल काऊ सीप गोट इटीसी। अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिफाइंड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। स्टूडेंट्स प्लांट ईटर एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, काऊ सीप गोट इटीसी। स्टूडेंट्स आप गाय भेड़ बकरी तो देखे होंगे, ये पेड़ पौधों की पत्तियां खाती हैं या घास खाती हैं, इसलिए इन्हें हम हर्बीवोरस शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? शाकाहारी। नेक्स्ट है कार्निवोरस, कार्निवोरस सम एनिमल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। लायन टाइगर इट इज। स्टूडेंट्स सब
one animal ate the flesh of other animals are called carnivorous, lion, tiger, etc. Okay. Next, omnivorous. Some animal ate bark of them. Some animals eat bark of them. These are called omnivorous. Example, mice, dog, cat, etc. Students, some animals eat both of them. These are called omnivorous. Mind the cat etc. Carnivorous, some animals eat the flesh of other animals are called carnivorous, lion, tiger, etc. Next, rodent. Rodent. Some animals have sharp front teeth. Some animals have sharp front teeth. It cut and crack the nut. Some animals have sharp front teeth. It cut and crack the nut and fruits. Some animals have sharp, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके सामने के दांत बहुत तेज धार वाले होते हैं, जो नट अथवा फ्रूट को क्या करते हैं, काटते अथवा तोड़ते हैं. एग्जाम्पल जैसे राइट, स्पाइरल. Proboscis. Some animals have the mouth like tube. Some animals, animal
बटरफ्लाई, हनी, मॉस्किटो, हाय, लाम, ट्यूब लाइन, माउथ पार्ट, कार्ड, प्रोबोसिस। स्टूडेंट्स सम एनिमल लाइक बटरफ्लाई, हनी, मॉस्किटो, हाइव, लार्ज ट्यूब, लाइक माउथ पार्ट, कार्ड, प्रोबोसिस। बटरफ्लाई, हनी सर द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। स्टूडेंट्स बटरफ्लाई, हनी सर द नेक्टर ऑफ फ्लावर, बट मॉस्किटो इज सक आवर ब्लड। बट मॉस्किटो आर सक आवर ब्लड, दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। स्टूडेंट्स नाउ एंड आवर क्लास, वी मीट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।